हेलो फ्रेंड, तारा किचन में स्वागत है। आज चिकन चंगेजी का रेसिपी है। ये सब सामग्री है। हमने 1 केजी चिकन लिए हैं, अच्छी तरह से धो लिए हैं। 2 चम्मच सादा नमक डाल रहे हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गुलकी पाउडर, 1/2 कप दही डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसको सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हैं। चढ़ा दिए हैं, गर्म हो गया है। ऑयल डाल रहे हैं, फ्राई किया हुआ चिकन में 1/2 चम्मच खड़ा मसाला डाल देते हैं। टमाटो को पेस्ट बना लिए हैं, टमाटो का पेस्ट डाल देते हैं। तो पतली पतली काट कर 10-15 काजू का पेस्ट बना लिए हैं। फ्राई करके ये भी डाल देते हैं। दो चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गुलकी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गुलकी पाउडर, 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन भी लाल मिर्ची पाउडर,
चीज़ को डाल देती हूँ। दो चम्मच दही कर देते हैं। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मसाला, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच धनिया पत्ता डाल रहे हैं, एक चम्मच सावन में पहले हम नमक डाल दिए थे स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची काट के रखते हैं, डाल देते हैं। एक पीस नींबू का रस निचोड़ के डाल देते हैं। चिली पाउडर थोड़ा सा डाल दें, दो चम्मच चिली डाल दें, धनिया पत्ती, चिकन चिली बन गया है। Thank you.